Good morning, friends. मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर. आज मैं बात करूंगा एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में, लेकिन सबसे पहले एक रिक्वेस्ट. ये साइंटिफिक चैनल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके. आज मैं बात करूंगा फास्टिंग के बारे में. फास्टिंग के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है, एंड सही बात यह है कि बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं फास्टिंग की टू गेन हेल्थ. आज हम फास्टिंग को साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. नाउ क्वेश्चन यह है कि फास्टिंग क्या होती है, या वास्तव में हिंदी में जिसे कहते हैं उपवास क्या होता है, फास्ट रखना या उपवास रखना वास्तव में क्या है. ये जो फास्टिंग की जहां तक हम बात करते हैं, आप वास्तव में खाना बंद कर देते हैं फॉर सर्टेन स्ट्रेच ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें आप खाते नहीं हैं. ये जो स्ट्रेच 12 घंटे का हो सकता है, ये स्ट्रेच 8 घंटे का हो सकता है, ये स्ट्रेच 24 आवर्स का हो सकता है. कभी कभी लोग फास्टिंग ऐसे भी करते हैं कि लगातार दो दो दिन, तीन तीन दिन, चार चार दिन खाना नहीं खाते, इन फास्टिंग करते हैं. जो फास्टिंग का पीरियड है जिसमें आप नहीं खाते हैं, उसमें वास्तव में विज्ञान ऐसा कहती है कि कुछ चीजें आपको अलाउ की जा सकती हैं. आपको पानी अलाउ किया जाएगा, आपको चाय अलाउ की जा सकती है, आपको कॉफी अलाउ की जा सकती है. कुछ फास्टिंग ऐसी होती हैं जिसमें वास्तव में सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड तक अलाउ किया जा सकता है. देखिए, फास्टिंग का जहां तक सवाल है, फास्टिंग कोई नई वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है. जो फास्टिंग है ये सेंचुरी से हम प्रैक्टिस करते चले आए हैं. ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें फास्टिंग प्रैक्टिस न की जाती रही हो, न प्रीच की जाती रही हो. चाहे वो हिंदू हो, हम नवरात्रि में फास्ट रखते हैं, हम लगातार बहुत सारे उसमें फास्ट रखते हैं. जो इस्लाम है उसमें रमजान में फास्ट रखा जाता है, जो जूडिज्म है, बुद्धिज्म है, इन सभी में एक फास्टिंग की जो प्रक्रिया है वो हमेशा मौजूद रही है, इन प्रैक्टिस की जाती रही है फॉर रिलीजियस पर्पजेज. बट बहुत सारी स्टडीज ने यह बोला कि जहां तक फास्ट का सवाल है, वट एवर मे बी द रिलीजन, जो फास्टिंग की जो प्रक्रिया है ये वास्तव में आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स लेके चलती है. नाउ फास्टिंग लोग क्यों करते हैं, आप जानते हैं. सबसे पहले तो यही है कि लोग रिलीजियस बिलीफ के चलते करते हैं. बहुत लोग नवरात्रा में फास्ट रखते हैं, ग्यारस में फास्ट रखते हैं, अमावस्या पे फास्ट रखते हैं, तो पूर्णिमा पे फास्ट रखते हैं. बहुत सारे लोग रिलीजियस पर्पसेस के चलते फास्ट रखते हैं, दैट इज नंबर वन. नंबर टू, बहुत जो ओबेसिटी जिन लोगों को होती है उनका ऐसा सोचना है कि अगर वो फास्ट रखेंगे तो उनका वजन कम होता है, तो इसलिए वो उसके चलते फास्ट रखते हैं. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप हेल्थ एंथुजियास्ट को ध्यान से देखें, एंड साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप हेल्दी हैं एंड आप फास्ट प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करती है. आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, आपका ब्लड शुगर मेंटेन होता है, इन आपके जो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ती है. नाउ क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है कि अगर मैं फास्ट रखूंगा या फास्ट रखूंगी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे भूख बहुत ज्यादा लगेगी. ये बिल्कुल फैक्ट है. जब आप फास्ट रखेंगे तो शुरू में आपको भूख ज्यादा लगेगी ही लगेगी, यू विल बी हंग्री ऑल द टाइम. बट साइंस ऐसा मानती है कि एज द टाइम पासिस बाई, ये जो आपको बार बार भूख लगती है या ज्यादा लगती है भूख, वो धीरे धीरे भूख आपकी कम हो जाएगी. एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से समझें. जो डाइटिंग है वो बिल्कुल अलग प्रक्रिया है, एंड फास्टिंग बिल्कुल अलग प्रक्रिया है. जो डाइटिंग आप करते हैं, चाहे वो वेट लॉस के लिए करते हैं, वास्तव में डाइटिंग में आप एक्चुअली अपनी कैलोरीज इंटेक कम कर देते हैं, आपका फूड इंटेक कम हो जाता है तो कैलोरीज आप कम करते हैं. लेकिन जो फास्टिंग है, फास्टिंग में आप कैलोरी कम नहीं करते हैं, आप बस सिर्फ इतना काम करते हैं कि कैलोरी भले उतनी मात्रा में लेते हैं लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है 24 आवर्स का जिसमें आप खाते नहीं हैं या वो कैलोरीज कंज्यूम नहीं करते हैं. तो इस डिफरेंस को बहुत ध्यान से देख के चलिए कि डाइटिंग में आप कैलोरीज को कम करते हैं, फास्टिंग में आप कैलोरीज को कम नहीं करते हैं. दिस इज द मेजर डिफरेंस व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ अगर आप फास्ट रखते हैं तो क्या आप बाद में ज्यादा खाएंगे? इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको जो है बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन हो ज्यादा खाने की तरफ. इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको उन फूड्स की तरफ इंक्लिनेशन हो जिन्हें आप इमेजिन करते रहे हैं, हाई शुगर, हाई फैट, हाई साल्ट, उस तरह का जो स्पाइसी फूड जिसको आपने इमेजिन किया है. बट
हमेशा सलाह यही है कि आपको वास्तव में अपने आप को ओवरस्टफ नहीं करना चाहिए, आपको हेल्दी अमाउंट लेना चाहिए, आपको वॉल्यूम को भी जो ना एक बैलेंस करने की जरूरत है। नाउ स्टडीज ने बोला कि अगर आप सेम नंबर ऑफ कैलोरीज लेते हैं, आप कैलोरी में बिल्कुल भी रिडक्शन नहीं करते हैं, बट अगर आप एक फास्टिंग को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल होता है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर होती है, आपका एपिटाइट कंट्रोल होता है, इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इज डेफिनेट कि आप थोड़ा सा वजन भी कम कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, जिसके बारे में आपने बहुत ज्यादा पढ़ा भी होगा एंड सुना भी होगा। हम आगे चल के कुछ वीडियोस में इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के अलग अलग आयाम के बारे में भी बात करेंगे, बट इन जनरल जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वास्तव में तीन तरह की है। नंबर वन इज द टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग, कि आप एक पर्टिकुलर टाइम में खाना खाते हैं एंड पर्टिकुलर टाइम में खाना नहीं खाते हैं, तो वन इज द टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग। द सेकंड वन इज द अल्टरनेट डे फास्टिंग, यानी एक दिन आप खाते हैं एक दिन आप नहीं खाते हैं, एक दिन आप खाते हैं एक दिन नहीं खाते हैं। एंड द थर्ड वन इज द मॉडिफाइड फास्टिंग, जिसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा मैं आज। नाउ लुक एट द अल्टरनेट डे फास्टिंग। इस अल्टरनेट डे फास्टिंग में आप 24 आवर कंप्लीटली कुछ भी नहीं खाते हैं, आप एब्सोल्यूट फास्ट रखते हैं, एंड अनदर 24 आवर्स यू आर एब्सोल्युटली ऑन द नॉर्मल डाइट। इसके जो स्टडीज हैं इसके रिजल्ट्स लिमिटेड हैं, बट लिमिटेड रिजल्ट्स होने के बावजूद भी साइंस ने ऐसा माना कि अगर आप अल्टरनेट डे फास्ट रखते हैं तो आपका वजन कम होता है, आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो इंप्रूव होती है। बट ये बात सही है कि अल्टरनेट डे जो फास्ट है वो लॉन्ग रन में चलाना या रोज रोज इसको प्रैक्टिस करना, इट बिकम्स डिफिकल्ट, इट इज हार्ड टू फॉलो। नाउ सेकंड वन इज द टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग, जो मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से देखें। आप वास्तव में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में खाना खाते हैं और एक टाइम फ्रेम में खाना नहीं खाते हैं, आप कैलोरी की मात्रा ऑलमोस्ट सेम भी रखें लेकिन एक टाइम फ्रेम में खाना नहीं खाते हैं, तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑन एन एवरेज साइंस ऐसा मानती है कि आप फास्ट 8 आवर्स के लिए रख सकते हैं, आप 12 आवर्स के लिए रख सकते हैं, आप 16 आवर्स के लिए रख सकते हैं। मोटे तौर पर इसको मानिए कि अगर आपने एक मील मिस कर दिया, आपने एक मील लेना बंद कर दिया, तो वास्तव में आप रिस्ट्रिक्टेड टाइम फीडिंग में चले जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए कि आपने रात में 8 बजे डिनर ले लिया और सवेरे आपने ब्रेकफास्ट लिया 8 बजे, तो ये 12 घंटे का गैप हो गया। ये जो 12 घंटे का गैप हो गया, ये 12 घंटे की टाइम रिस्ट्रिक्टेड डाइटिंग हो गई आपकी। अगर आपने रात में 8 बजे डिनर लिया, दूसरे दिन आपने ब्रेकफास्ट नहीं लिया, आपने लंच सीधा 12 बजे 1 बजे लिया, इसका मतलब 16 आवर्स का गैप हो गया। इसका मतलब यह है कि आपने टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग की एंड आपने फास्ट किया फॉर 16 आवर्स। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप 12 से 16 घंटे फास्ट ऑब्जर्व करते हैं तो इससे आपको बहुत सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, जो आप वॉच करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। Now, एक मॉडिफाइड फास्टिंग है जिसे आपको समझने की जरूरत है। दिस यू कैन इजीली प्रैक्टिस इन द सेंस कि आप अपना कोई भी शेड्यूल बना लीजिए, जैसे 7 दिन का एक वीक होता है, एक 7 दिन के इस वीक में कोई भी आप 2 दिन डिसाइड कर लीजिए। ये जो 2 दिन आप डिसाइड कर लीजिए, इसमें आप डिसाइड करिए कि आप अपनी जो भी डाइट या कैलोरीज लेते हैं उसका सिर्फ 25% ही कंज्यूम करेंगे, आप 75 कंज्यूम नहीं करेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो 2 कंसेक्यूटिव डेज हो, आप हो सकता है कि मंडे डिसाइड कर लें, थर्सडे डिसाइड कर लें, मंडे एंड थर्सडे आपकी जो डाइट है उसमें जो कैलोरी इनटेक है वो 25% है, बाकी के दिन आप बिल्कुल नॉर्मल डाइट, नॉर्मल फूड एंड नॉर्मल शेड्यूल में चलते चले जाते हैं। दिस इज नोन एज मॉडिफाइड फास्टिंग। इससे भी जो हेल्थ बेनिफिट हैं वो सिग्निफिकेंट आपको मिलते हैं। नाउ सबसे जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है फास्टिंग का, दैट इज बेसिकली कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। साइंस ने ऐसा माना कि अगर आप फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं तो अगर आपकी डायबिटीज है तो वो बेटर कंट्रोल होती है, अगर आपको प्री डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होने की संभावना कम हो जाती है एंड काफी टाइम आप निकाल देते हैं कि आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ती। इसका मतलब अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल होती है, आपकी जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो बढ़ती है, इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका वेट भी कम होता है। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको टाइप 1 या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है तो आपको फास्टिंग प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। बट इन एनी केस अगर आपको डायबिटीज है तो फास्टिंग प्रैक्टिस करने के पहले आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नाउ अगर आप एथलीट हैं एंड आप मसल बिल्डिंग और उस सब का काम वो करते हैं तो क्या आपको फास्टिंग करनी चाहिए? इट इज वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट।
साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं एंड आप फास्टिंग शेड्यूल को अप्लाई करते हैं तो सही बात यह है कि आप ज्यादा फैट लॉस करते हैं और आपकी मसल में कोई भी लॉस नहीं होता है अगर आप एडिक्वेट जो है कैलोरीज लेते चले जाते हैं। तो इवन फॉर एथलीट्स जो फास्टिंग वो आपको फायदा ही देती है क्योंकि ये फैट को लॉस कराती है, मसल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं करती है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं और आप फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं तो एरोबिक एक्सरसाइज के बेनिफिट बढ़ जाते हैं, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे की तरफ होता है एंड आपका जो बेली फैट है या जो पेट के ऊपर की जो वो फैट होती है या तौंद जो निकली हुई होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी तौंद धीरे 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 कम होती चली जाती है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपका कैलोरी इनटेक उतना ही है लेकिन आप टाइम रिस्ट्रिक्टेड अगर फीडिंग कर देते हैं तो इवन इफ यू आर एन एथलीट और एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बेनिफिट आपको ज्यादा मिलते हैं। नो क्वेश्चन ये है क्या डाइटिंग सॉरी क्या फास्टिंग बहुत टफ है। साइंस ऐसा मानती है कि देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स कि अगर आप अल्टरनेट डेट फास्टिंग करते हैं तो ये वास्तव में टफ होती है। अल्टरनेट डे जो फास्टिंग है उसे बहुत ज्यादा दिन प्रैक्टिस करना, इसको स्टिक करना इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। बट जो दूसरे वर्सन हैं जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग है जो मॉडिफाइड फीडिंग है उनको फॉलो करना शायद डिफिकल्ट नहीं है। बट जो भी आप फॉलो करना चाहते हैं उससे पहले आई वुड सर्टेनली एडवाइज कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर कर लें। नाउ क्वेश्चन ये हमेशा खड़ा होता है और पूछा जाता है क्या फास्टिंग सेफ है, ये सेफ है, हमारी हेल्थ को कुछ नुकसान तो नहीं करेगी। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप हेल्दी एडल्ट हैं, आप किसी भी तरह की फास्टिंग को अप्लाई करते हैं अपनी की बॉडी में, इट इज एंटायरली सेफ विदाउट एनी प्रॉब्लम, ये कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। बट अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, साइंस ऐसा मानती है कि इसके पहले कि आप कोई फास्टिंग अप्लाई करें आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। बट देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें साइंस ऐसा कहती है कि इसमें फास्टिंग नहीं अप्लाई करना चाहिए या नहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इट्स नॉट रिकमेंडेड। अगर आप बच्चों को फीड करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो इट इज नॉट रिकमेंडेड। अगर आपको किसी भी किस्म का ईटिंग डिसऑर्डर है तो साइंस रिकमेंड करती है दैट यू शुड नॉट प्रैक्टिस फास्टिंग। फिर जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको वास्तव में जो फास्टिंग है वो रिकमेंडेड नहीं की जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आप फास्टिंग अप्लाई करते हैं एंड फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग हो, चाहे अल्टरनेट डे फास्टिंग हो, चाहे वो मॉडिफाइड फास्टिंग हो, फास्टिंग के अलावा जो आप डाइट लेते हैं आपको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, बिकॉज इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। क्योंकि नॉन फास्टिंग टाइम में अगर आप अपनी बॉडी को पंप करते हैं विद हाई कैलोरी फूड, हाई साल्ट फूड, हाई शुगरी फूड, तो आपको फास्टिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। साइंस ऐसा मानती है कि आपको एक नॉर्मल हेल्दी डाइट लेने की जरूरत है। आपको बहुत हाई कैलोरी या हाई शुगर स्टफ इसको पंप करने की बॉडी में जरूरत नहीं है। अगर आप हेल्दी बैलेंस डाइट लेंगे ऑन नॉन फास्टिंग टाइम एंड नॉन फास्टिंग डेज तो जो आपको बेनिफिट मिलते हैं फास्टिंग के दे विल बी वेरी सिग्निफिकेंट। आपको अपनी जो डाइट है उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स इनको अच्छी मात्रा में यूटिलाइज करना चाहिए। तो जहां तक फास्टिंग का सवाल है तो फास्टिंग हमारे उसमें सदियों से रही है। फास्टिंग हर धर्म में की जाती है, चाहे वो हिंदू हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, हर धर्म में फास्टिंग का एक अपना इंपॉर्टेंस है। फास्टिंग के डेफिनेट एडवांटेजेस हैं एज फार एज द हेल्थ इज कंसर्न। द ओनली थिंग इज कि विच टाइप ऑफ फास्टिंग इज इंपॉर्टेंट। जो फास्टिंग है वो अल्टरनेट डे फास्टिंग की जा सकती है, वो टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग की जा सकती है, वो वास्तव में मॉडिफाइड फास्टिंग की जा सकती है। ये तीनों ऑप्शंस हैं आपके बारे में जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। नंबर थ्री इज कि आपको ये बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है कि डाइटिंग एकदम अलग चीज है, फास्टिंग एकदम अलग चीज है। जो डाइटिंग है उसमें आप कैलोरी को कट करते हैं इसलिए वजन कम होता है, फास्टिंग में आप कैलोरीज कट नहीं करते हैं, आप टाइम रिस्ट्रिक्ट करके एक साइंटिफिक वे में आप खाना खाते हैं जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसके चलते आपका जो वेट है वो कंट्रोल होता है एंड बहुत सारे मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स हैं वो कंट्रोल होते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिलता है। और इसके अलावा जो नॉन फास्टिंग टाइम है उसमें बैलेंस्ड मील लेने की जरूरत है जिससे आपको जो एडवांटेजेस हैं वो अप टू द मार्क मिले। अगर आप समझते हैं कि फास्टिंग को समझने में ये वीडियो आपको मदद करता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।